बहुत खुशी हुई है मैं राष्ट्रपति जी का और फ्रांस की जनता का मेरे स्वागत और सम्मान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यूरोप की ये मेरी पहली यात्रा है, लेकिन पहली यात्रा मैं फ्रांस से शुरू कर रहा हूँ। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत और फ्रांस के संबंध कितने गहरे हैं, कितने पुराने हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इतना क्या महत्व है। फ्रांस भारत के सबसे घनिष्ठ मित्रों और विश्वसनीय पार्टनर्स में एक हैं। जैसे राष्ट्रपति जी ने बताया कि हम कई बातों में साझी परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे समय और चुनौती भरे समय दोनों में फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा है। फ्रांस सदैव भारत के प्रति संवेदनशील रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फ्रांस ने खुलेआम भारत का साथ दिया है, भारत का समर्थन किया है। हम दो बड़े लोकतंत्र देश हैं, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, हमारे हित कई माने में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे संबंध व्यापक हैं, जमीन से आसमान तक, सागर से अंतरिक्ष तक और अब साइबर क्षेत्र में भी हम सहयोग कर रहे हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें फ्रांस और भारत की साझेदारी न हो। आज मेरी और राष्ट्रपति ओलांद की बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंध पुराने और गहन है। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में फ्रांस हमेशा एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स तक हमारे सहयोग उत्तम रहे हैं। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। हम दोनों ने निर्णय किया है कि भारत के लिए यह अलग प्रक्रिया में दिए गए टर्म्स एंड दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस वुड बी मॉडिफाइड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति जी ने डिफेंस क्षेत्र में मेक इन इंडिया का पूरा समर्थन किया है और मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, एक एम्बिशन इस रूप में आपने उसकी सराहना की है। भारत और फ्रांस की कंपनियां मिलकर भारत में रक्षा उपकरण बनाएगी और साथ ही साथ रक्षा तकनीकों का विकास भी करेंगी। इस संदर्भ में आज मेरी फ्रांस के डिफेंस कंपनी से काफ़ी विस्तार से बातें हुई है। आज हम भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले गए हैं।